दादी माँ की बहुत ही आसान 24 बेस्ट किचन टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, जरूर सुने। नंबर एक, रात को सोते समय एक गिलास मीठे दूध में एक चम्मच देसी घी डालकर पीने से शरीर की खुश्की और दुर्बलता दूर होती है और नींद भी अच्छी आती है। नंबर दो, भिंडी के सेवन से शरीर में खून का प्रवाह बढ़ता है जिसके कारण बाल और त्वचा में ताजगी बनी रहती है। नंबर तीन, अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो नारियल के एक बड़े टुकड़े को खाकर सो जाएं। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो पेट को साफ भी कर देता है। नंबर चार, पालक गंजेपन की समस्या को दूर करता है। नंबर पांच, अपने काले पड़े पैरों को एकदम चांद जैसा चमकाएं। सिर्फ एक नेचुरल रेमेडी लगाकर इसके लिए आपको लेना है एक चम्मच नमक, उसमें किसी भी कंपनी का एक पैकेट शैम्पू डालें। शैम्पू डालने के बाद इसमें आधा नींबू का रस डालें, फिर इसमें आधा चम्मच सोडा भी डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें। हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इस पेस्ट को अब आप अपने कालेपन हिस्सों पर लगाएं। चमड़ी कितनी भी काली क्यों ना हो, इसे लगाने से चमड़ी एकदम गोरा हो जाएगा। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें, फर्क आपको खुद महसूस होगा। नंबर छह, 3 चम्मच पुदीने के रस में थोड़ी सी नींबू का रस और 1 चुटकी काला नमक मिलाकर 1 हफ्ता सेवन करने से लीवर पूरी तरह साफ हो जाता है। नंबर सात, आप अगर सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं तो शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे नींद ना आने की समस्या हो जाती है और तनाव भी बढ़ जाता है। नंबर आठ, आंवला कैंडी का लगातार सेवन करने से पेट की चर्बी खत्म हो जाती है। नंबर नौ, रोजाना 15 दिनों तक लगातार अनार का सेवन करने से पैरों का दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 10, जिसके शरीर में कमजोरी महसूस होती है उसे बासी रोटी का सेवन करना चाहिए, इससे शरीर को एनर्जी बहुत मिलती है। नंबर 11, अचानक गैस सिलेंडर फटने से कई लोगों की जान चली जाती है क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि गैस सिलेंडर में लगी आग को कैसे बुझाया जाता है। जब गैस सिलेंडर में आग लगे तब पानी या मिट्टी से बुझाने की कोशिश मत करना क्योंकि इससे आग कभी नहीं रुकेगी। अगर आग रेगुलेटर या पाइप में लगी हो तो अपनी उंगली से बंद कर दे। अगर हाथ लगाने से डर लगता है तो कंबल या कोई भी लंबा कपड़ा भिगोकर गैस सिलेंडर में लपेट देना है, इससे एयर कनेक्शन बंद हो जाएगा और आग बड़ी आसानी से बुझ जाएगा। नंबर 12, धनिया के पानी में पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन सी और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यह सभी तत्व बीमारियों को कोसों दूर रखते हैं। धनिया का पानी पीने के ढेरों फायदे हैं। नंबर 13, टमाटर के ऊपर चीनी डालकर चेहरे पर लगाने से डेड स्किन सेल्स निकल जाती है और चेहरे पर निखार भी आता है। नंबर 14, गर्म पानी को नियमित पीने से शरीर से गंदगी दूर होती है जिससे शरीर का कई बीमारियों का बचाव होता है। नंबर 15, जीरे की चाय, इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है जो वजन कम करके वेट लॉस में मददगार है। इसे कैसे बनाएं? तो गर्म पानी में जीरा डालकर उबाल लें। अब शहद या नींबू का रस डालकर इसे पिए। नंबर 16, नहाने से पहले 2 कप दूध में 2 चम्मच कॉफी पाउडर मिलाकर पूरे बदन पर मालिश करने से पूरा बदन गोरा होता है। नंबर 17,
सब्जी में अगर मिर्च तेज हो जाए तो पके टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर सब्जी में मिलाकर थोड़ी देर पकाएं। इससे सब्जी का तीखापन खत्म हो जाएगा। नंबर 18, रोज भोजन के बाद एक लौंग खाने से एसिडिटी से आराम मिलता है। नंबर 19, एक ग्राम केसर को दूध में मिलाकर दिन में दो बार पीने से पीरियड्स के समय दर्द में आराम मिलता है। नंबर 20, आयुर्वेद के अनुसार खाने के बाद कुछ मीठा जैसे कि गुड़ खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे पेट में जलन या एसिडिटी नहीं होती है। नंबर 21, कच्चा प्याज डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। नंबर 22, हफ्ते में दो बार गर्म पानी में एलोवेरा जेल डालकर चेहरे पर स्टीम लेने से स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है और चेहरे पर दाग धब्बे भी दूर होते हैं। नंबर 23, नाश्ते से पहले और रात के खाना खाने के बाद 500 कदम जरूर चलें। नंबर 24, अगर आपको गैस की समस्या महसूस हो तो तुरंत एक गिलास छाछ में थोड़ी काली मिर्च और धनिया का रस मिलाकर पी जाएं। इससे आपको जल्दी ही गैस से राहत मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।